For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Aisha Siddiqa. I am a professor of St. Gyne, Sandiman Provincial Hospital and Bolan Medical University of Health Sciences. Today, we have to share this with you that what is the pregnant woman's effect on corona? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि प्रेगनेंसी इज एन इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेटस. प्रेगनेंसी में जो कुव्वत मुदाफियत है वो बहुत कम हो जाती है, यानी वो एहतियाती तदाबीर जो आम पब्लिक करती है वो एक प्रेग्नेंट औरत को उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा. अगर हम एक नॉन प्रेग्नेंट औरत को कहते हैं कि आप दिन में 15 दफ़ा हाथ धोएं, तो प्रेग्नेंट औरत को कहेंगे कि आप 30 दफ़ा हाथ धोएं. बार बार अपना हाथ धोना, अपनी नींद का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि रिसर्च ने यह साबित किया है कि अगर नींद पूरी नहीं होती है तो कुव्वत मुदाफियत कम होती है. अपनी खुराक, एक बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट किस तरह से हम कहते हैं कि आप अपनी बैलेंस्ड डाइट लें, उसमें प्रोटीन्स हों, विटामिन्स हों, ख़ास तौर पर विटामिन सी. आजकल माल्टे हैं, लेमन है, इसमें विटामिन सी वाफिर मकदार में पाया जाता है. तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना, कम से कम जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो कम करें अपनी खुराक में. और बाहर की जो चीज़ें हैं, अब वैसे तो लॉकडाउन है, ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी ये चिप्स हो गए, पिज़्ज़ा और बाहर की बनी हुई चीज़ें जो हैं उनसे जितना भी हम अवॉइड करें हमारे लिए ये बेहतर है. मास्क पहनना, गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलना, जैसे शादियों में जाना. हमारे मोहल्ले में अब शादी थी और इतना जमघट्टा लगा हुआ था, तो सालगिरह पे जाना, पार्टीज करना, इन चीज़ों को. और मार्केट तो वैसे भी बंद हैं, तो बिला वजह घर से निकलना नहीं चाहिए, अपने घर में ही रहना चाहिए. और प्रेग्नेंट औरतों को अगर कोई नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हॉस्पिटल के चक्कर भी ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि हॉस्पिटल में आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इस डिज़ीज़ का. और फिर बात आती है कि डिलीवरी का. डिलीवरी हॉस्पिटल्स में हो रही है और हम इसका पूरा ख्याल रख रहे हैं, जो सर्फेसिस हैं उनको हम डिसइनफेक्ट कर रहे हैं, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में प्रॉपरली डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं, गाउन पहने हुए हैं, तो उनका वहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है. जितना भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं. दूसरा, प्रेग्नेंट औरतों के लिए मेरी ये एडवाइस होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि जितना आप पानी ज़्यादा पियेंगी उतना ही आपको कोरोना का इन्फेक्शन लगने का चांस कम है. और पानी भी जो है वो वार्म वाटर लेना है, बहुत ठंडा पानी नहीं लेना है. फिर बात आती है कि बच्चे को दूध पिलाया जाए या नहीं. बिल्कुल बच्चे को आप दूध पिलाएं, लेकिन मास्क पहने, बच्चे को टच करने से पहले भी हाथ धोएं, बच्चे को दूध पिलाने के बाद भी अपने हाथ आपने साफ रखने. और बच्चा तो वैसे ही लॉकडाउन में होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब एक न्यू बॉर्न बच्चा आता है तो सब घर वाले आते हैं, उसको बच्चे को प्यार किया जाता है, तो बेहतर यही है कि बच्चे को दूर ही रखा जाए. और दूसरा ये कि सोशल गैदरिंग और डिस्टेंस हो, बिला वजह हाथ मिलाना, गले मिलना, इन चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए. और बाकी जो हिदायत हमें मिल रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि कोरोना डिजीज़ जो है, इट इज़ नॉट अ डिज़ीज़ ऑफ टेक्स्ट बुक. किताबों में इसके बारे में अभी इतनी मालूमात नहीं है. हम जो भी बात करते हैं हम कहते हैं आज तक ये रिसर्च हुई है, यानी दिसंबर 2019 से जब से इस बीमारी का जिक्र शुरू हुआ है आज तक जो रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि कोरोना से इफेक्टेड मदर अपने बच्चे को ये डिजीज़ ट्रांसमिट नहीं करती, यानी वर्टिकल ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता. कि अगर एक मदर कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उसका बच्चा भी पॉजिटिव होगा? रिसर्च से ये बात अभी तक साबित नहीं हुई है. तो हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम एहतियाती तदाबीर करें, अपना भी ख्याल करें, अपने बच्चों का और अपने घर वालों का ख्याल रखें. बहुत शुक्रिया जी.